shame, I give you more, but I see yourself. Oh, un dos tres, aquí dice arriba. Y ne vas su, y ne vas su. Ratmanu, ni de nada. ओके सो गाइज अभी आप लोग जिस वाली वीडियो को प्रीव्यू पे देख रहे हो गाइज अभी के टाइम पे ये वाली जो वीडियो है इंस्टाग्राम के अंदर बहुत ही ज्यादा वायरल हो रही है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं इसी वीडियो का ट्यूटोरियल आपको देने वाला हूँ, तो वीडियो में शुरू से लेके पूरा लास्ट तक बने रहना। तो चलिए गाइज हम चलते हैं अपने फोन की स्क्रीन पर और बिना किसी देरी के अपनी वीडियो एडिटिंग को सीखते हैं। ओके तो अभी यहाँ पर जैसा की देख सकते हो गाइज यहाँ पर आ चुका हूँ मैं अपने फोन की स्क्रीन पर और यहाँ पर गाइज सबसे पहले आपको अपना लाइट मोशन ओपन कर लेना होगा। जैसे यहाँ पर आप अपना लाइट मोशन ओपन करते हो प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके 9:16 रेशियो सेलेक्ट करके क्रिएट प्रोजेक्ट पर आपको क्लिक कर देना होगा। अब जैसे गाइज आप लोग इतना कर लेते हो अभी सिंपल से आपको प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पर ऑडियो पर आ जाना है और जिस भी ऑडियो पर यहाँ पर आप वीडियो बनाना चाहते हो उस ऑडियो को यहाँ से आप अपने फाइल से सेलेक्ट कर लेना। लेकिन यहाँ पर जो आप लोगों ने प्रीव्यू पे देखा है मैं उसी सॉन्ग पर यहाँ पर मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं उस वीडियो को लेकर आ चुका हूँ और अभी मैं क्या करूंगा इस वीडियो पे क्लिक करूंगा और सबसे ऊपर 3 डॉट पे क्लिक करके एक्सट्रैक्ट ऑडियो करूंगा और वीडियो का काम हो चुका है तो हम वीडियो को यहाँ से डिलीट कर देंगे। अब यहाँ पर देख सकते हो हमारे उस वीडियो से ऑडियो अलग होकर आ चुका है। सो अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे सबसे पहले गाइज यहाँ पर मैं ना बीट लगा लूंगा, ठीक है। तो अगर आप अदर सॉन्ग पर वीडियो बना रहे हो तो यहाँ से आप अपने म्यूजिक को प्ले करके सुन के आप अपने हिसाब से बीट लगा सकते हो। बट यहाँ पर मैं बीट यहाँ पर मेरे को पता है इस सॉन्ग पर मैं वीडियो बना रहा हूँ तो फर्स्ट बीट है मेरा 3 सेकंड पे और जो सेकंड बीट है वो है मेरा 5:15 पे, ठीक है। तो मैं 5:15 पे सेकंड बीट लगा लेता हूँ कुछ इस तरीके से यहाँ पर, ठीक है। और जो लास्ट वाला बीट है वो है मेरा 8:15 पे, तो मैं एक बीट लगा लूंगा 8:15 पे, ठीक है। तो अगर आप भी इस सॉन्ग पर वीडियो बना रहे हो तो यहाँ पर फर्स्ट बीट आपको कितने पे लगाना है 3 सेकंड पे और अगला 5:15 पे, अगला 8:15 पे, ठीक है। इस तरीके से बीट लगा लेना। अब इतना जैसे ही हो जाता है अब आपको आ जाना है स्टार्टिंग में। अभी आपको प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ से एक शेप सेलेक्ट कर लेना है। शेप सेलेक्ट करने के बाद सबसे ऊपर 3 डॉट पे क्लिक करके इसको फिल कंपोजिशन एरिया कर देना। अब सबसे एंड में चले जाना और इसको क्या करना पूरा लास्ट तक कर देना, ठीक है। अब फिर से स्टार्टिंग में आ जाना। अभी आपको क्या करना है सिंपल से इस शेप वाले लेयर पे क्लिक करना है एंड अभी आपको कलर एंड फिल पर आना है एंड कलर एंड फिल पर आने के बाद यहाँ पे क्लिक करके आप इसको कुछ इस तरीके से सबसे पहले यहाँ पे क्लिक कर देना और इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पर बना देना, ठीक है। यहाँ पर जैसा कि देख सकते हो मैं जैसे बना रहा हूँ आप भी कुछ इस तरीके से बना देना। अब इतना बनाने के बाद यहाँ से ब्लैक कलर को सिलेक्ट करके इसको थोड़ा सा ग्रे कलर कर देना, ठीक है। ज्यादा डार्क ग्रे कलर करना, ज्यादा व्हाइट वाला ग्रे मत करना, ठीक है। लाइट ग्रे मत करना, यहाँ पर थोड़ा डार्क वाला ग्रे कर देना और हाँ और यहाँ पर जो आपको व्हाइट कलर दिख रहा है ना व्हाइट कलर में जाके इसको पूरा ब्लैक कर देना, ठीक है। तो यह आपका कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। अब आपको फिर से आ जाना है स्टार्टिंग में और अभी गाइज आपको प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है, मीडिया पर जाना है और आपको एक पार्टिकल्स की वीडियो यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस टाइप की पार्टिकल्स वाली वीडियो है, तो ये मैं आपको दे दूंगा अपने टेलीग्राम पर। इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद जाके वहां से डाउनलोड कर लेना। तो ऐड करने के बाद सबसे एंड में आना और जहां तक देख लेना, जहां तक आपका ऑडियो है वहीं तक इस वीडियो को रखना, बाकी कट कर देना, ठीक है। अब स्टार्टिंग पे आ जाना होगा। अब इसका ब्लैक स्क्रीन हटाने के लिए सिंपल से इस लेयर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ब्लेंड एंड ओपेसिटी पे जाके यहाँ पर हम लाइट एंड पे क्लिक करके इसको स्क्रीन कर देंगे, ठीक है। सो अभी अगर मैं प्ले करके दिखाऊं तो देखो कुछ इस तरीके से ये पार्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। सो अब इतना हो चुका है, अब हम आते हैं मेन चीज पे, ठीक है, जो अभी हमारा मेन काम होगा। अभी तो हम बैकग्राउंड वगैरह क्रिएट कर चुके हैं, अब हम आ जाएंगे स्टार्टिंग पे। प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके एक शेप सेलेक्ट कर लेंगे। शेप सेलेक्ट करने के बाद सिंपल से यहाँ पर एडिट शेप पर आएंगे और एडिट शेप पे जो साइज है यहाँ पर एक्स की जो वैल्यू है गाइज आपको इसको रख देना है 380, ठीक है। एंड जो वाई की जो वैल्यू है गाइज इसको आपको रख देना है यहाँ पे, इसको रख देना 200 रख देना, ठीक है। ओके कर देना। अब रेडियस जो है गाइज इसका 50 कर देना, ठीक है, कुछ इस तरीके से 50 रख देना, ठीक है। अब इसकी जो लेंथ है कहाँ तक रखना है आपको, यहाँ तक, जहां तक आपका बीट है, ठीक है। अब फिर से स्टार्टिंग में आ जाना और अभी आपको इस पे क्लिक करके इसका फिलहाल के लिए हम कलर इसका ब्लैक कर लेते हैं। अब आपको यहाँ पे क्लिक करना है और इसका एक डुप्लीकेट लेयर बना लेना है। डुप्लीकेट लेयर बनाने के बाद सबसे ऊपर वाला जो कॉपी लेयर है डुप्लीकेट वाला उस पर क्लिक करना है, फिल कलर एंड फिल पर जाना है और यहाँ पे क्लिक करके आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे एक बार इस पे क्लिक कर देना, ठीक है। अब इसको बढ़िया से यहाँ पर आप बीचों बीच इसको कुछ इस तरीके से बना देना, ठीक है। बनाने के बाद यहाँ से जो ब्लैक कलर है ब्लैक कलर को यहाँ से आप क्या करना ट्रांसपेरेंट कर देना और जो व्हाइट कलर है
जो कलर रखना चाहते हो, ठीक है। जैसे कि रेड आप लोगों ने देखा होगा प्रीव्यू पे, तो मैं रेड रख देता हूँ, या फिर आप लोग जो कलर रखना चाहते हो वो कलर रख सकते हो, तो मैं रेड ही रखता हूँ, ठीक है फिलहाल के लिए। एंड इसको मैं कर दूंगा ओके, ठीक है। अब मैं बैक कर देता हूँ इसको। अब इतना करने के बाद अभी आपको क्या करना है कि सिंपल से यहाँ पर आपको प्लस वाले आइकन पे जाना है, मीडिया पर जाना है, और अभी गाइज यहाँ पर आपको जो भी फोटो ऐड करना है उस फोटो को ऐड करना है, और इसकी जो लेंथ है अपने बीट तक रखना, स्टार्टिंग में आना और फोटो को पकड़ के दोनों शेप के नीचे कर देना। और अभी आपको क्या करना है कि सिंपली से गाइज आपको ना यहाँ पे मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाके इमेज को छोटा करना है। छोटा करने के बाद फिलहाल ना अभी इसको पहले तो बीच में रख लेना, ताकि फिर हम सेट करके बाद में, फिर भले ही हम बाद में ऊपर कर लेंगे, ठीक है। हाँ, तो अभी आपको इसको नीचे लेकर आना है, या फिर हाँ इसको नीचे लेकर आ जाते हैं, मतलब आप अपने हिसाब से बढ़िया से आप अपने शेप के अंदर सेट कर लेना, ठीक है। अब आपको इस इमेज को लेकर आ जाना है नीचे। अभी आपको क्या करना है कि सिंपल से अपने इमेज को और जिससे जिसको कॉपी किए थे उसको नहीं सिलेक्ट करना है, जो आप मेन जो शेप है आपका उसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। और सबसे ऊपर देखो यहाँ पर तीन ग्रुप के तीन ऑप्शन दिख रहे होंगे, तो बीच वाला जो यहाँ पर ग्रुप है ना, इस पर क्लिक कर देना। तो देखो हमारा इमेज अंदर हो गया है, ठीक है। सो अभी आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है एंड कलर एंड फिल पर जाना है, और अब आपको इसको और थोड़ा डार्क सा यहाँ पर रेड वाला कलर दे देना है, ठीक है, कुछ इस टाइप से। अब बैक करना है, अब इन दोनों को सिलेक्ट के फिर से करना है, ठीक है, इन दोनों को। अब इसको आप ग्रुप एज मास्क कर देना, मास्क नहीं ग्रुप कर देना, ग्रुप में कन्वर्ट कर देना। एक बार और बता दे रहा हूँ, इन दोनों को सिलेक्ट करना कुछ इस टाइप से, और यहाँ पर देखो फर्स्ट में दिखेगा ग्रुप में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। तो ये आपका पूरा मर्ज हो जाएगा। अब चलो हम इसमें एनिमेशन देते हैं, तो इस पर क्लिक करना, मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाना, ठीक है। मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाने के बाद यहाँ पे एक की फ्रेम लगा देना, और यहाँ पर जो इसका है यहाँ पर वाई दिखेगा, एक्स वाई और जेड दिखेगा, तो वाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और जो यहाँ पर वाई की जो वैल्यू है आप इसको रखना 2272 रख देना, ठीक है, ओके करना। एंड अभी लास्ट में आना है, यहाँ पे एक की फ्रेम दे देना, और यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। अब आपको इन दोनों की फ्रेम के बीचों बीच सेंटर में आना है, जैसे कि इसका 1:15 पे है तो बीच सेंटर है ये। अब फिर से यहाँ पर एक की फ्रेम देके वाई पे सेलेक्ट करना, ठीक है, क्लिक करना, और इसको 525 रख देना है आपको, ठीक है। एंड इसको करना ओके। सो अभी आपको यहाँ पे आना है और कुछ इस तरीके से यहाँ पर ग्राफ बनाना है, ठीक है, यहाँ पर देख लो। एंड ग्राफ बनाने के बाद इसको यहाँ से क्या करना, कॉपी कर लेना, ठीक है, कॉपी कर्व कर देना, कर्व कॉपी कर्व कर देना, ठीक है। हाँ, तो इतना करने के बाद फिर से यहाँ आगे आना और थ्री डॉट पे क्लिक करके यहाँ पर पेस्ट कर्व करके इसको फ्लिप कर देना, ठीक है। सो अभी यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके से आपका एनिमेशन बन जाएगा। सो अभी एक काम और इसमें करना है, फिर से यहाँ पे जाना, मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे फिर से जाना, अब रोटेशन वाले ऑप्शन पर आना है, और अभी आपको फिर से यहाँ पर एक की फ्रेम लगाना है, और की फ्रेम लगाने के बाद गाइज अभी आपको रोटेशन इसका रख देना है यहाँ पे। फिलहाल इसको हम +10 कर देते हैं, ठीक है, तो इसको हम +10 degree कर देंगे। एंड आगे वाले बीट पे आएंगे और इसको हम फिलहाल रख देंगे -7, ठीक है, तो इसको हम -7 कर देते हैं कुछ इस टाइप से। एंड इसके आगे वाले में आएंगे और इसको हम रख देंगे, इसको भी -10 के आसपास रख देंगे, ठीक है, तो -10 इसको भी हम कर देते हैं कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो अब ये बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर देखो कुछ इस टाइप से ये जाएगा, ठीक है, देख सकते हो, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से यहाँ पर आपका एनिमेशन बन जाएगा। सो यहाँ पर बन गया। अभी एक और सेम इसी तरीके से बनाना है, कैसे बनाना है वो भी बताऊंगा। चलो अभी हम लिरिक्स का काम कर लेते हैं। सो फिर से प्लस वाले आइकन पे जाएंगे और एक शेप सेलेक्ट करेंगे, और शेप सेलेक्ट करने के बाद एडिट शेप पर आना। इसकी भी जो यहाँ पर लेंथ है इसको आप रख देना 380, एंड वाई की जो वैल्यू है इसको रख देना आप फिलहाल इसको 150 रख देते हैं, ठीक है, ओके करेंगे। रेडियस पे आएंगे, 50 कर देंगे, ओके कर देंगे, ठीक है। इतना करने के बाद अभी आपको क्या करना है, थोड़ा सा ना आगे जाना, और अभी ना इसको मैं वाई पे जो आके थोड़ा सा और इसको मैं कम कर देता हूँ, 131 रखेंगे 150 के जगह, ठीक है, वाई को अब हल्का सा और कर देते हैं, ठीक है, 27 के आसपास, ठीक है, ओके करूंगा। अब इस पर क्लिक करूंगा एंड कलर एंड फिल पर आके इसको व्हाइट कलर कर देंगे। इसकी जो लेंथ है हम बीट तक रखेंगे, स्टार्टिंग में आ जाएंगे। सो अभी हमको यहाँ पर जो भी आपका लिरिक्स है वो लिखना है, ठीक है। तो जैसे कि मेरा जो लिरिक्स है वो है रातानु नींद ना आवे, ठीक है, कुछ इस टाइप से। लिखने के बाद इसको मैं बड़ा करूंगा और यहाँ से ये वाला मैं फॉन्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ से ये कलर दे दूंगा ब्लैक, ठीक है। अब मैं यहाँ से बड़ा करूंगा, सो आप जो अच्छा लगे वो टेक्स्ट दे देना फिलहाल, ठीक है। एंड इसको हम यहाँ पे कुछ इस टाइप से रख देते हैं, एंड इसकी जो लेंथ है यहाँ तक रख देंगे। स्टार्टिंग में आएंगे, प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके फिर से यहाँ पर जाएंगे शेप पे, और यहाँ पर इमोजी वगैरह टैप कर लेना और इसको बीच सेंटर में रखना, और यहाँ से जो इसका जो फॉन्ट आपको सेलेक्ट करना होगा वो करना होगा आपको कॉपी, मतलब जो यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ फॉन्ट ना, कॉपी ISO वाला, उसको सेलेक्ट करना, उस फॉन्ट को सेलेक्ट करना, ठीक है। और अभी यहाँ पे क्लिक करके आप इसको कलर में जाके ट्रांसपेरेंट कर देना। अब ये चीज तो आपको पता ही होगा, मैं बहुत सारी वीडियो में आपको हमेशा बताता रहता हूँ।
अब इसको यहाँ पर ले जाना, बीच नीचे रख देना। अब यहाँ से बैक करके बॉर्डर एंड शैडो पर जाके इसको शैडो इनेबल कर देना, ठीक है। और इसकी भी जो लेंथ है लास्ट तक रख देना, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमारा कुछ इस टाइप से टेक्स्ट बन गया। अब आपको क्या करना होगा कि सिंपल से आपको यहाँ पे इन दोनों को, आपका टेक्स्ट और इमोजी को सिलेक्ट करके यहाँ पे ग्रुप में कन्वर्ट कर देना। अभी यहाँ पे क्लिक करना है, इफेक्ट पर जाना है, एड इफेक्ट पर जाना है, और यहाँ पे सर्च पे जाके यहाँ पर वाइप सर्च करना है आपको, ठीक है। वाइप सर्च करने के बाद वाइप वाला यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना इफेक्ट, स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक कर देना। अब आपको डायरेक्ट जाना है कहाँ पे, 1:15 पे एंड पे जाना है, यहाँ पर एक की फ्रेम दे देना है और सबसे स्टार्टिंग पे आके इसको यहाँ पर 0 कर देना, ठीक है, कुछ इस टाइप से। तो यहाँ पर देखो कुछ इस टाइप से आपका एनिमेशन बन जाएगा टेक्स्ट में, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। अब इतना करने के बाद आपका जो नीचे शेप है ना उसको भी सिलेक्ट कर लेना और फिर से इसको भी ग्रुप में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। अब इतना समझ गया कैसे करना है, ठीक है। अब इस पे भी चलो हम इस लिरिक्स वाले भी इसमें हम दे देते हैं किस तरीके से देना, मैं बताता हूँ। हाँ, तो अभी आपको एनिमेशन देने के लिए इस पे क्लिक करना है, मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाना है और यहाँ पे आपको अलग अलग देना है, कैसे देना है वो मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। सो अभी यहाँ पर एक की फ्रेम लगा देना। लगाने के बाद अभी आपको क्या करना होगा, वाई पे आना और वाई का जो यहाँ पे वैल्यू है इसको रखना 2070, ठीक है, कुछ इस टाइप से। अब ओके कर देना, लास्ट में जाना, एक की फ्रेम दे देना। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। अब बीच सेंटर में आना है एकदम इन दोनों की फ्रेम के, जैसे 1:15 पे मैं आ गया हूँ। अब एक की फ्रेम फिर से देके वाई पे जाना और अभी इसको रख देना 950, ठीक है, एंड इसको कर देना ओके, ठीक है। ओके करने के बाद यहाँ पे आना और जो अभी आप लोगों ने यहाँ पे कर्व बनाया रहा होगा तो अगर कॉपी किए रहोगे तो ठीक है, नहीं किए रहोगे तो सेम कर्व यहाँ पे देना है और यहाँ से फिर से इसको कॉपी करके इसको यहाँ पे जाके पेस्ट करना और फ्लिप कर देना, ठीक है। सो अभी देखो सकते हो इस तरीके से यहाँ पर ये भी वाला बन जाएगा। सो अभी फिर से हम रोटेशन वाला डालेंगे, तो रोटेशन पे आते हैं, यहाँ पे एक की फ्रेम लगा देते हैं और इसको हम रखेंगे फिलहाल -15, ठीक है, तो -15 कर देते हैं एंड आगे जाएंगे और आगे इसको हम रख देंगे, इसको 0 कर देंगे, ठीक है, तो 0 कर देते हैं इसको हम कुछ इस टाइप से, ये इस टाइप से आगे जाएंगे और यहाँ पे भी एक की फ्रेम लगा के इसको क्या करना, +15 कर देना, ठीक है, तो इसको हम +15 कर देते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे आपको ग्राफ, मतलब आपको वो जो ग्राफ वाला एनिमेशन है ना उसको ऐड नहीं करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कुछ इस टाइप से आपको, ठीक है। अब आपको नीचे भी वही वाला फोटो ऐड करना है, तो अभी आपको इस पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्या करना है आपको डुप्लीकेट बनाना है। अब डुप्लीकेट बनाने के बाद इसको आपको लेकर आना है किसके नीचे, इसके नीचे, ठीक है। सो अब देखो यहाँ पर कुछ इस टाइप से आपको दिखेगा। अभी आपको इसका एक जो लेयर है ना, ये वाला जो टेक्स्ट वाला, इसको बीच में रखना। अब इसको आपका जो एक लेयर है इसको पकड़ के पहले तो बीच में आना, ठीक है, सेंटर में। अब इसको पकड़ के जस्ट नीचे लाना इसको, ठीक है, कुछ इस टाइप से यहाँ पर देख लो, इस तरीके से नीचे लाना और बराबर में रखना, जितना वहां पे ऊपर वाले में स्पेस है उतना नीचे वाले भी में भी स्पेस होना चाहिए, ठीक है। ये कुछ इतना, ठीक है, अब सही है। थोड़ा सा इसको जो रेड लाइन है इसको मिला के रखना, ओके, ठीक है। अब देखो हमारा कुछ इस तरीके से, ये देख सकते हो यहाँ पर एनिमेशन बन गया। थोड़ा सा मैं वीडियो प्ले कर रहा हूँ तो ब्लर हो जा रहा है, पता नहीं ये मेरे या लाइट मोशन के अंदर दिक्कत आता है कि आपके लाइट मोशन में भी दिक्कत आता है, मेरे को कमेंट करके बताना। बट ये एडिटिंग के समय ही प्रॉब्लम देता है, सेव करने के बाद कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया से हो जाता है हमारा काम, ठीक है। सो अभी अगर मैं प्ले करके दिखाऊं तो देख सकते हो कुछ इस टाइप से हमारा बन चुका है। अब आगे भी सेम तरीके से करना है तो कुछ नहीं करना है, इसको बैक करते हैं, कुछ नहीं करना है। इन तीनों को यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ से आपको कॉपी 3 लेयर करना है। आगे आके यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पे क्लिक करके और यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। सो अभी आपका बीट तो यहाँ पे है और आगे ज्यादा चला गया है, तो अभी आपको यहाँ पे क्या करना है पता है, ऊपर वाले में क्लिक करना, यहाँ पर क्लिक करना और यहाँ पे क्लिक कर देना, तो देखो पीछे आ गया। अब फिर से इस पे सेम तरीके से ये देख सकते हो, ठीक है, स्पीड पे आके इसका यहाँ पे ये देख सकते हो, यहाँ पे कट लगा देना, ठीक है। तो देखो यहाँ तक आ गया हमारा की फ्रेम बीट पे। अब आपको कुछ नहीं करना है, पता ही आपको क्या करना है, सिंपल से ऊपर वाले में क्लिक करना है और यहाँ पे एडिट ग्रुप पर जाना है और फिर से इस पे क्लिक करके यहाँ पे क्या करना है, एडिट ग्रुप पर आना है, फोटो पे क्लिक करना है और कलर एंड फिल पर आके यहाँ पे क्लिक करके आपको अपना यहाँ से गैलरी के अंदर से फोटो चेंज करना है। तो फोटो में चलो ये वाला रख लेता हूँ और यहाँ से इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से बैक करता हूँ, ठीक है। बैक करने के बाद नीचे वाले में भी क्लिक करेंगे और सेम तरीके से यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है, एडिट ग्रुप पर जाके यहाँ पे फोटो पे क्लिक करके कलर एंड फिल पर जाके स्टार वाले ऑप्शन पर जाके यहाँ पर भी हम फोटो चेंज कर लेते हैं और मूव में जाके अच्छे से हम सेट कर लेते हैं कुछ इस टाइप से एंड इसको भी बैक कर लेंगे, ये देख सकते हो, ठीक है। अगर आप अलग अलग कलर भी रखना चाहो तो रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सो एक प्रॉब्लम और होगा जब करोगे ना ऐसा, तो आपका यहाँ पे ना ये देख सकते हो ये आपका छोटा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करके आप ना इसको यहाँ तक खींच लेना, ठीक है, तो फिर से वैसे ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम होता है अक्सर, देख सकते हो, ठीक है। हाँ, तो देखो यहाँ पे भी हमारा ये बन गया, देख सकते हो, ठीक है। ये वाला देखो फोटो यहाँ अलग है और यहाँ भी फोटो अलग है, ठीक है। तो फोटो चेंज कैसे करना है ये जान गए आप लोग। अब यहाँ पर लिरिक्स का काम करना है, तो लिरिक्स पे क्लिक करना, एडिट ग्रुप पर आना, ठीक है,
अब ऊपर जो ग्रुप है इस पे क्लिक करना और यहाँ पर एडिट ग्रुप पे फिर से आ जाना और यहाँ पे लिरिक्स को सिर्फ हटाना है, तो लिरिक्स पे क्लिक करके इसको यहाँ से कट करना और जो भी यहाँ पर आपका लिरिक्स है, ठीक है, दिल तेनु वेख ना जावे ऐसा करके है ना, पता नहीं क्या गाना है यार, मेरे को खुद अच्छे से नहीं पता, तो यहाँ पर मैं ऐसी लिख लेता हूँ, ठीक है ना, जावे ऐसी लिख लेता हूँ, ठीक है, ऐसी नॉर्मली आपका जो है अच्छे से लिख लेना। और अगर आप यहाँ पर अपना इमोजी भी चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे आप अपना इमोजी भी चेंज कर सकते हो, बट मैं नहीं करूंगा, मेरे को सही लग रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ से बैक कर देता हूँ। सो यहाँ पर देखो हमारा लिरिक्स भी चेंज हो गया, ये देख सकते हो, ठीक है। देखो अभी मैं आपके सामने टाइप किया हूँ, अब फिर से देखो यहाँ पर भी हमारा बन गया। अब फिर से इन तीनों को क्लिक करना और यहाँ पे कॉपी कर लेना, ठीक है। आगे जाके यहाँ पे इसको भी क्या करना, आप पेस्ट करना और सेम तरीके से आपको आगे जाना है। और जैसे कि नहीं पहुंच रहा है तो यहाँ पे आके आप इसको कहाँ, यहाँ करना, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करना, यहाँ पे करके आगे क्लिक कर देना। तो देखो आपका ये आपका जो भी है की फ्रेम भी नहीं हटेगा और आपका बढ़िया से फिट भी हो जाएगा। तो इसी तरीके से बस आपको अपना फिर एडिट ग्रुप पर जाके आपको फोटो चेंज करते जाना है, अपना लिरिक्स बदलते जाना है और इस तरीके से अपनी वीडियो को कम्प्लीटली एडिट कर लेना है। होप सो गाइज आप सब कुछ समझ गए होगे अच्छी तरीके से, मैंने एक एक करके बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। सो अगर आपको इस वीडियो को एडिट करने में कोई भी दिक्कत या कोई भी परेशानी आएगी ना तो मेरे को कॉमेंट करके आप लोग जरूर से बताना। और जितने भी मटेरियल्स का मैं इस वीडियो एडिटिंग में यूज किया हूँ, फॉन्ट से लेकर हर चीज आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद लाइक मारना और टेलीग्राम लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, जाओ जाके वहां से डाउनलोड कर लो, ठीक है, बिल्कुल फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जैसे ही आपका जो भी कंप्लीट हो जाता है, आप इस वीडियो को सेव करके आप अपने इंस्टाग्राम के अंदर अपलोड कर सकते हो। वैसे ये वीडियो कैसी लगी मेरे को कमेंट करके जरूर से बताना और यहाँ पर आगे आप कर लेना, मैं कंप्लीटली अगर एडिट करके बताऊंगा तो वीडियो काफी ज्यादा और लंबी हो जाएगी। बाकी यहाँ पर मैंने बता दिया है कैसे क्या करना है, तो आप होप सो आप कर लोगे एंड मुझे पता है आप लोग कर लोगे, ठीक है। बाकी मेरे जो मेन इन्फॉर्मेशन रहा वो सारी चीजें यहाँ पर मैंने बता दी है। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बता देना। बाकी हम मिलते हैं किसी ऐसी कमाल के इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गाइस जय हिंद जय भारत।